नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में आज बात इसराइल को लगे एक बहुत बड़े झटके की करते हैं। ईरान के एक बड़े हथियार ने इसराइल के युद्ध में एंट्री मार ली है। नेतन्याहू को इस हथियार के बारे में जब से पता चला है, उनकी नहीं पूरे इसराइली सेना की नींद उड़ गई है। अब डर है कि ईरान ने अगर युद्ध में एंट्री कर ली तो इसराइल खुद को कैसे बचाएगा। इसराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 358 मौत देना चाहता है ईरान। इसराइल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं। इसराइल ने गाजा पर जितने बम गिराए हैं उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं। मौत के क्या मायने हैं? 358 मौत का खौफ कितना ज्यादा है, यह इस वक्त इसराइल के चारों तरफ यमराज बनकर मंडरा रहा है। यहां हिजबुल्ला भी है, ईरान भी है, हुथी भी है, और अब इराक का वो मिलिशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर 358 मौत है क्या और इसराइल क्यों इससे घबराया हुआ है? क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो ईरान से निकलकर अब हिजबुल्ला के पास पहुंच गया है। हुथी इसे लगातार फायर कर रहा है। 358 मौत की मिस्ट्री अब खुलकर सामने आ गई है। इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इसराइल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इसराइल के खिलाफ उनका हर विकल्प तैयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत। ये है जमीन से आसमानी टारगेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही हैं 358 मौत। हिजबुल्ला ने इसी मंडराने वाली मिसाइल से इसराइल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेस को मार गिराया। हरमेस 450 इसराइल का बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है। जब ये ड्रोन लेबनन के आसमान में पहुंचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत बांटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला। ये ईरान का वो हरफन मौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल भी है जो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है। ईरान से निकली 358 मौत इसराइल के खुफिया मिशन को धुआं धुआं कर रही है। ये मिसाइल भी है और ड्रोन भी, ये कैसे अपने टारगेट को खत्म करती है इसकी तकनीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजिए। 358 नाम की ये मिसाइल एक ड्रोन की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आसमान में 8 नंबर के आकार की तरह गश्त लगाती रहती है और जैसे ही टारगेट इसकी जद में आता है ये उससे जाकर टकरा जाती है। 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रारेड सेंसर इसे टारगेट की भनक देता है और फिर यह अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है। ये एक ड्रोन से तेज रफ्तार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इसराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। हिजबुल्ला ने जब से इसराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आसमान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दायरे को और बढ़ा सकती है। इस बीच ईरान से एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। ये है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की
जो ईरान के गाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है, ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और सबसे खतरनाक बात, ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ठीक ऐसे ही अपने हथियार ईरान ने रूस को भी दिखाए थे, जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने ईरान का दौरा किया था। यह दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया, हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह साफ हो गया कि सर्गेई शोइगू ईरान की खास खास मिसाइल देखने तेहरान आए। ईरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डिटेल रखी, इसमें ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक वैसे ही हथियार जो रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए। ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए, किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है। तब शोइगू ने 358 नाम के इस मिसाइल में बहुत दिलचस्पी दिखाई और ईरान के अफसरों ने भी बताया कि इस हथियार से वो यूक्रेन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल को खत्म कर सकते हैं। Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны Соединенных Штатов Америки и Западной Союзы. ऐसा हथियार जिसमें पुतिन को भी दिलचस्पी है, वो बहुत बड़ा कहर बरपा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। 358 की रेंज अब ईरान से लेकर यूक्रेन और यूक्रेन से लेकर इजराइल तक हो गई है। ये बात साफ है कि 358 बॉम्ब वाकई इजराइल में मौत बांटने के लिए तैयार की गई है। जब से ईरान की मिसाइल का खतरा बढ़ा है, तब से इसराइल की ड्रोन एक्टिविटी कम हो गई है। जाहिर है कि नेतन्याहू अब ये जानते हैं कि अगर हिजबुल्ला को रोकना है तो सिर्फ ड्रोन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेबनान के आसमान में 358 वाली मौत मंडरा रही है। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की जो आग लगी हुई है, गाजा पर बमबारी के बीच हमास और इसराइल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है, उसमें अब नया खतरा इसराइल और लेबनान का बॉर्डर भी है। यहां भड़के शोले अब युद्ध की इस आग को 10 गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ 4 लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेनमिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। אנחנו ננצח, אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान ने हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोहियों तक इतने हथियार पहुंचा दिए हैं कि अगर इसराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्ला और हूथी दोनों इसराइल पर बम बनकर फट सकते हैं। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। इस वक्त लेबनान और इसराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्ला अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इसराइल के टैंक तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है।
तीसरी है 85 कॉन्कॉर्स रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है। شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو من جالنت من جانيتس من آخرين باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الأداء। कुल मिलाकर ये बात साफ है कि अब हिजबुल्ला 358 मौत के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है। दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। कब कहां बम फटेगा, कहां धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्ला जानता है या फिर इजराइल की सेना। वैसे यहां के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहां तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. इजराइल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार रखा हुआ है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड में रखे गए हैं। इजराइल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात है। हालात 2006 के बाद जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं और अब हिजबुल्ला के हमलों के बाद सबकी नजर ईरान पर है।